हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं डीओएल स्टार्टर के बारे में। हम लोग जानेंगे, जैसा कि अभी हम यहां पर एक ड्राइंग बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट। तो आज हम लोग इसमें दोनों चीज सीखेंगे, पावर वायरिंग भी सीखेंगे और कंट्रोल वायरिंग भी सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डीओएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डायरेक्ट ऑनलाइन इसका फुल फॉर्म होता है, स्टार्टर फॉर एएचयू के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर हम लोग एयर कंडीशनिंग फील्ड में हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जितना भी मोटर वगैरह रहते हैं, बाकी पंप वगैरह रहते हैं, तो सब इलेक्ट्रिकल सप्लाई रहता है। चाहे कोई भी मैकेनिकल पार्ट्स को रन कराने के लिए हमारा इलेक्ट्रिकल का जरूरत पड़ता है, तो हमें जो है इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पार्ट वाइंडिंग के बारे में बताए थे, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम आपको स्टार्टर डेटा के बारे में भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है ये। ज्यादा मतलब डिफिकल्ट वायरिंग नहीं होता है, ये इजी वायरिंग होता है। तो ये लगाते कहाँ पे हैं, हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं? तो हम लोग एएचयू वगैरह में, जहाँ मतलब 1.5 किलोवाट से लेकर के 7.5 किलोवाट तक जितना मोटर रहता है ना, उसको बेसिकली हम लोग डीओएल वायरिंग में हम लोग रन कराते हैं। ठीक है, स्टार डेल्टा में उसको ऊपर जो भी रहेगा तो स्टार डेल्टा में करेंगे। ऐसे सम जगह पे मतलब जो है 11 किलोवाट तक भी इसका मतलब है ड्यूअल वायरिंग को किया है, मतलब मैक्सिमम हम लोग 11 किलोवाट तक ही कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे 7.5 किलोवाट के रेशियो में बीच में हम लोग करते हैं 1.5 किलोवाट से। तो हम लोग इसका जानेंगे कि क्या है। पावर सर्किट में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो फेज मिल रहा है L1 L2 L3 हम लोग फेज दे लिए। ठीक है, उसको उठा करके हम लोग अभी थ्री फेज का मोटर को डायरेक्ट हम लोग ऐसे रन नहीं करा सकते ना, थ्री फेज डायरेक्ट वोल्टेज हम लोग मोटर के अंदर नहीं डाल सकते हैं, उससे उसके बीच में जो भी प्रॉब्लम होगा मोटर का, कुछ भी ये होगा तो डिफेक्टिव हो जाएगा डायरेक्ट। तो उसके लिए हम लोग बहुत सारा जो है उसको सेफ्टी के लिए भी यूज करते हैं, और उसको ऑन ऑफ स्टार्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल वायरिंग करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं L1 L2 L3 हो गया, ये हमारा फेज मिल गया रेड येलो ब्लू, उसके बाद हम उसको MCB में डाल दिए। ठीक है, MCB हम लोग ऑन करेंगे तो आगे हमारा ये कॉन्ट्रेक्टर में आएगा। ठीक है, या उसके बाद जो है ओवरलोड, तो कॉन्ट्रेक्टर के बाद जो है हम लोग क्या किए, ओवरलोड रिले यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, ओवरलोड रिले का काम क्या है कि अगर हमारा मोटर जो है ज्यादा एम्पियर ले रहा है किसी कारण, तो उस टाइम जो है हमारा ये जो है पावर इसके अंदर जो थर्मल रहता है उसको डिस्कनेक्ट करता है, और जो पावर है यहीं पे रुक जाएगा, पावर इसके अंदर नहीं आएगा, तो मोटर हमारा जो है सेफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये काम है इस तरह से करने के लिए। इसके लिए हम लोग कंट्रोल सर्किट का हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये कंट्रोल सर्किट है। कंट्रोल सर्किट में क्या है कि एक फेज हम ले लिए, उसके बाद फ्यूज है, फ्यूज के बाद ये हमारा MCB है। ओके, MCB के बाद जो है हमारा ये ओवरलोड है, ओवरलोड रिले के बाद जो है हमारा स्टॉप पुश बटन है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग अभी स्टार्ट करना है, मान लीजिए ये मोटर को स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ पर स्टॉप पुश बटन को यहाँ पे प्रेस करेंगे। इसमें आप समझेंगे तो सिंगल में ज्यादा समझने में आसानी होगा, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि बहुत सारा NONC पॉइंट रहते हैं ना, तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली जो है ये NC पॉइंट रहता है, स्टॉप का जो बटन होता है कभी भी NC पॉइंट में कनेक्टेड किया रहता है। जब हम लोग इसको दबाते हैं, पुश करते हैं, तो ये हमारा यहाँ से पावर सप्लाई जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, जो यहाँ से फेज हमारा आ रहा था ना कंट्रोल सप्लाई के लिए, जो हमारा इधर से हम लोग फेज लेके आ रहे थे, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कंट्रोल सप्लाई के लिए, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टर में आप लोग देखे होंगे, ये कॉन्ट्रेक्टर है, ये ओवरलोड रिले है। कॉन्ट्रेक्टर में A1 A2 होता है ना, A1 A2 तो यहाँ पर लिखे नहीं है, ये हमारा A1 है, ये A2 हो गया। तो A1 A2 में क्या होता है, A1 में फेज चाहिए, तो ये हमारा फेज मिल गया है। ठीक है, फेज ले लिए हैं, और ये तो रन का इंडिकेटर है, ये ट्रिप का, स्टॉप का, रन का। अब इसके लिए मान लीजिए ये लाइट है, लैंप है, तो लैंप के लिए हमें न्यूट्रल फेज चाहिए ना, तो न्यूट्रल फेज चाहिए, तो न्यूट्रल जो है यहाँ से न्यूट्रल इसको मिल रहा है, फेज इधर से जो है इसको मिल गया। तो जैसे ही हमारा कॉन्ट्रेक्टर पकड़ेगा तो NO पॉइंट जो है NC हो जाएगा, और ये रन का जो है इंडिकेटर चलने लगेगा, और बाकी स्विच जो है हम लोग सीरीज में कनेक्शन करते हैं। आप लोग देखे होंगे ना, स्विच घर में नॉर्मली लाइट जो हम लोग यूज करते हैं, तो उसका स्विच का कनेक्शन जो है हम लोग सीरीज में करते हैं, और मतलब एक दो वायर रहता है बल्ब के लिए, तो उसमें क्या करते हैं कि एक जो लाइन आ रहा है हमारा, दो लाइन आ रहा है, तो एक न्यूट्रल को हम लोग डायरेक्ट उसको डाले रहते हैं अपना बल्ब के अंदर,
और स्विच के जरिए हम लोग उसको पार करके जो है हम लोग बल्ब में दूसरा वायर को कनेक्ट करते हैं। तो जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो हमारा जो है लाइट ऑन हो जाता है। तो वही सेम फंडा इधर भी है, स्टॉप पुश बटन को जब हम लोग प्रेस करते हैं तो हमारा जो है आगे का पावर नहीं आता है। स्टार्ट वाला जो है हमारा एनो पॉइंट होता है, स्टार्ट का जो हम लोग कनेक्शन करेंगे एनो पॉइंट में, जब हम लोग इधर से इसको प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद क्या होगा कि ये कनेक्ट हो जाएगा और इधर से तो हमारा पावर सप्लाई आ रहा है। स्टॉप और स्टॉप वाला क्या है कि आगे सप्लाई ये आउट कर रहा है, जैसे हम लोग यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे ना तो ये इधर भी पावर सप्लाई आने लगेगा, फिर इधर हमारा अपना जो है कॉन्ट्रेक्टर में इधर आ जाएगा और इधर से इसको न्यूट्रल मिल रहा है। फिर टोटल हम लोग इसको चलाने के लिए जो है हमारा ये प्रोसीजर कर रहा है, कॉन्ट्रेक्टर को पकड़ाने के लिए प्रोसीजर हो रहा है। जैसे हम लोग स्टार्ट पुश बटन को हम लोग इसमें प्रेस करेंगे तो अभी तो ऐसा है ना, प्रेस करेंगे फिर छोड़ेंगे तो फिर पावर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली जब हम यहाँ हम लोग प्रेस किए तो ये बंद हो गया, फिर वो हट गया। तो जब इसको हम लोग दबाएंगे तो फिर ये वापस उधर चल जाएगा, स्प्रिंग जैसा रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक हम लोग ये होल्डिंग के लिए लगाते हैं सेवन, ये थोड़ा सा देर हम लोग प्रेस करके रखेंगे तो ये जो है हमारा होल्ड हो जाएगा, सप्लाई जो है होल्ड हो जाएगा और ये हमारा यहाँ से ऐसे होते हुए ये हमारा आगे कॉन्ट्रेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्ट्रेक्टर सर्किट का ये डायग्राम था। और अब हम लोग मेन डायग्राम में समझ लेते हैं कि इसमें कैसे फंक्शन क्या कर रहा है। तो आप लोग यहाँ सीधा देख रहे हैं कि यहाँ एमसीबी लगाया हुआ है, रेड येलो ब्लू फेज जो है हमारा इनकमर से आया इसके अंदर, ठीक है, एमसीबी के अंदर, और यहाँ से निकल के आउट होकर के ये कहाँ जाएगा, कॉन्ट्रेक्टर में जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टर में L1 L2 L3 जो है हमारा तीनों सप्लाई आ गया। यहाँ से आगे निकल करके हमारा कहाँ जाएगा, ओवरलोड रिले में। हमारा कहीं पे DOL वायरिंग किया हुआ है कि स्टार डेल्टा वायरिंग क्या हो, उसको पहचानने का भी तरीका यह है कि हमारा DOL वायरिंग में जो है सिंगल ही कॉन्ट्रेक्टर मिलेगा, ओवरलोड रिले मिलेगा और डायरेक्ट फिर मोटर में गया रहेगा, तो समझो तो DOL वायरिंग है। स्टार डेल्टा में तीन कॉन्ट्रेक्टर हम लोग को देखने को मिलता है, तो वो हमारा स्टार डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर है। हम नेक्स्ट वीडियो हम आपको उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम एक प्रैक्टिकल बनाएंगे, तो जितना आप समझ सकते हो आप समझ लो, जो भी दिक्कत डाउट है तो आप कमेंट करना। रेड येलो ब्लू इसके अंदर आ गया, कॉन्ट्रेक्टर के अंदर आ गया, फिर यहां से आगे निकले होते देखो ओवरलोड रिले लगा हुआ है। तो ओवरलोड रिले में हम जो है ओवरलोड रिले से होते हुए फिर हम लोग थ्री फेज मोटर में इसको आउट कराते हैं, पास कराते हैं। ये देख रहे ना, थ्री फेज मोटर जो है ओवरलोड रिले से इसके बाद हम इसको आउट कराए हैं। इसके अंदर बहुत सारा आप देखे होंगे छोटा NMNC का पॉइंट लगा रहता है ना, वो क्या जो है अपना स्टार्ट ट्रिप स्टॉप रन और इसके लिए जो है कनेक्शन किया जाता है, स्टार्ट पुश बटन के लिए, जो हम आपको एक्सप्लेन किए कैसे उसका ये होगा। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ आइडिया मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको ज्यादा इजीली समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम प्रैक्टिकल वीडियो बनाएंगे जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए। चलिए फिर आप अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ।